बीते 7 मई को सरकार द्वारा कोविड को लेकर एडवाइजरी व गाइडलाइंस जारी करने के बाद किन्नौर पुलिस ने कोविड नियमों की अवहेलना करने वालों पर तेजी से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक किन्नौर एसआर राणा ने बताया कि सरकार द्वारा कोविड को लेकर जारी गाइडलाइंस के बाद किन्नौर जिला में इसे सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। 7 मई से अब तक जिला में कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर 170 चालान व एक व्यक्ति के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि अब तक बिना मास्क सार्वजनिक स्थलों पर निकलने पर 145 लोगों के चालान किए गए हैं। सामाजिक दूरी का पालन न करने पर 14 लोगों के चालान किए गए, जबकि वाहनों में 50% से अधिक लोग बैठने पर 8 वाहन चालकों के खिलाफ चालान किए गए हैं। इसी तरह जिला में सामाजिक समारोह में 20 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर 3 के खिलाफ चालान करने के साथ ही एक व्यक्ति के विरुद्ध FIR भी दर्ज की गई है। SP ने लोगों से अपील की है कि कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है, बिना वजह से घरों से बाहर ना निकले और कोविड नियमों का सख्ती से पालन करें। 7 तारीख से 7 मई से यहाँ पर ये लागू हुआ था और जो गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी और गाइडलाइन थी उसमें ये कहा गया था कि यहाँ पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का हिमाचल प्रदेश में सख्ती के साथ पालन होना चाहिए। उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया था, उसमें साथ में ये कहा गया था कि जो दूसरे लोग कोई भी अपना किसी जरूरी कार्य के लिए अपने वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो सिटिंग कैपेसिटी जितनी भी होगी केवल वो उसके 50% का ही इस्तेमाल होगा। तो हमने भी यार 7 मई के बाद यहाँ पर इन गाइडलाइंस को जिले भर में एनफोर्स किया है और उसमें अब तक 145 लोगों के चालान जो है वो विदाउट मास्क के लिए किए गए हैं, जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया था और वो अपने घरों से बाहर निकले हुए थे या तो पब्लिक प्लेस पे थे। उसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग में जो सामाजिक दूरी है जो हमें मेंटेन करनी चाहिए इस महामारी के दौरान, उस पर 14 लोगों का चालान जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की वायलेशंस को लेकर के किया गया है। और ये जो 50% का वायलेशन है गाड़ियों में, 8 लोगों के चालान इसमें किए गए हैं। और जो हमारे जो सामाजिक समारोह होते हैं जिसमें 20 लोगों का जो लिमिट फिक्स किया गया है उसमें 4 वायलेशन हमारे सामने आई थी, 3 में जो है उसमें चालान किया गया और 1 में जो है उसमें FIR दर्ज की गई है। तो ये है जो 7 मई से लेकर के अब तक पुलिस ने जो इसमें कार्रवाई की है और हम लगातार जो इस तरीके का वायलेशन होता है उसके ऊपर नजर रखे हुए और जहां भी इसका हमारे ध्यान में आता है उस व्यक्ति और लोगों के खिलाफ जो है वो लगातार कार्रवाई किन्नौर जिला में की जा रही है, जिसको सेकंड वेव के नाम से भी हम लोग कह रहे हैं। ये जो इन्फेक्शन फैलाने में ये बहुत तेजी से कार्य कर रहा है। इसका जो इन्फेक्शन का जो रेट है, जो स्प्रेड है, वो बहुत तेजी से हो रहा है। तो इसलिए हम सब लोगों को, मेरा किन्नौर वासियों से यही कहना रहेगा कि हमें सावधानी के साथ घर से बाहर निकलना होगा और हम घर से बाहर तभी निकलें यदि जरूरी है, नहीं तो हम जरूरी ना हो तो आवश्यक नहीं है कि हम किसी बीमारी को जो है वो निमंत्रण दें। और ये इसलिए भी घातक है, किन्नौर जिला में बहुत से लोगों की मौत इस नए स्ट्रेन की वजह से हो रही है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए रिकांगपियो से चीता सिंह नेगी की रिपोर्ट। विश्वास जिम्मेदारी का, यकीन एक नई शुरुआत का, शुरुआत एक नए एहसास की, एहसास सुकून का, अपनेपन का। नए रिश्तों वाली फीलिंग बयां नहीं होती, सिर्फ एक्सपीरियंस की जाती है। जैसे गोयल मोटर्स मारुति सुजुकी अरीना, नए रिश्तों की शुरुआत नाउ इन सोलन एंड शिमला।